रोदन की आंखें कितनी फ्रेश लग रही है ना। हाय कर दीजिए सर। हाय, देखिए अभी ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा, फाइनल एक्सप्रेशन अभी आने वाला है साइड पे। रिलैक्स, इजी, छोड़ दो, रिलैक्स। ये इसका लोअर बैक भी उठा हुआ है स्ट्रेट। नाउ इज फाइनल, जिसकी वजह से ये आया है, इसका स्ट्रेस सारा इसी जगह पे। रिलैक्स, जैसे बैक ऑफ द हेड और आईज पे भी, मतलब इसका पूरा फर्क आ रहा है, जैसे प्रेशर बिल्कुल बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए जनरली जब हम देखते हैं कि नेक के आसपास प्रेशर होता है तो ईयर लोब के आसपास देखेंगे आप, ये भी काफ़ी टाइट मिलते हैं कंपेयर टू ये स्किन, और इस स्किन में काफ़ी डिफरेंस मिलता है। यही जब मैं राइट को देखा ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिख रहा है, जब मैं लेफ्ट की तरफ देख रहा हूँ ये कम है। बेटर ऑलरेडी, या कान खींच के, कान भी खींच सकते हो है ना, अगर दर्द हो तो, अगर ठीक होता तो बिल्कुल। रिलैक्स, छोड़ दो, शुरू, इजी, ब्रीथ आउट, इजी, रिलैक्स। अभी तो बहुत सारी ऑक्सीजन जाएगी आपके ब्रेन में, इजी, ब्रीथ आउट। समझ ही नहीं आ रही, यहीं पे होता अलग हुई है नहीं तो कुछ। भाई यार राम ने रावण का सर अलग कर दिया। आओ देखो यार, आंखें देखिए, इसकी एक्सप्रेशन देखिए, आंखें कुछ बोझ उठा काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा सांस आ रही है एक्चुअली, तो कुछ फील ही नहीं कर सकता मैं, तो पूरा फिर से सांस लूं। तो इसके बाद ऑक्सीजन, मैं कल सो भी नहीं पा रहा था इसकी वजह से, मतलब ये होता है कि बैक ऑफ द हेड इतना ज़्यादा पेन होता है कि जैसे पिलो में मैंने अपना सर रखा है तो बहुत ही ज़्यादा इतना पेन होता था कि मैं मतलब डिस्टर्ब मेरी स्लीप ही रहती है, तो मैं नींद भी पूरी नहीं ले पाता एंड कभी ऐसे झटके से उठना बिकॉज पेन का फील। ये चीज़ तो हमने कई बार देखी है कि रात रात निकल गई, फिर फाइनली क्या होता है बॉडी है ना थकेगी तो सो जाएगा, तो सवेरे जब कंट्रोल नहीं रहेगा उस पे दर्द पे भी तो खत्म हो जाएगा, तो सोते सोते सवेरा हो जाएगा, तो बंदा उठेगा, दिन कब शुरू हो, ये प्रॉब्लम्स भी इसने फेस की है बहुत ज्यादा लेटली, ये फेस की है। देखिए कि इसने अब तक जो भी थेरेपी या दवाइयां खाई होंगी, ये एक्सपीरियंस तुझे मिला होगा है ना, अभी तो मैं एक्चुअली फील करूंगा इस चीज को क्योंकि ये चीज हुई है अभी, तो इसका बेस्ट बेनिफिट जैसे शाम निकलेगी ना इसको और ज्यादा ये चीज असर करेगी। अभी तो आपने ये सारा प्रोसेस किया, इससे इसको लेटर 3 आवर्स के बाद या 6 आवर्स के बाद कोई ऐसा आज ये बिल्कुल छोटे बच्चे के। एंड मतलब ऑब्वियसली ये चीज बोली भी जाती है कि पोषण एकदम सही भी रखते हैं एंड जितना अच्छा रहता है तो कॉन्फिडेंस भी रहता है, क्योंकि मैं मतलब ये चीज फेस कर रहा था, सांस भी ठीक से नहीं आ रही क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा वो चीज धीरे धीरे मतलब ऐसी कंडीशन बन रही है, सो अब ये मतलब ठीक होने को है चीज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ स्मॉल वीडियो, वी विल कीप इट शॉर्ट एज मच एज पॉसिबल, वी वांटेड टू शो कि साहिल ने बिफोर एंड आफ्टर में क्या फील किया, एंड दिस इज अ इंस्पायरिंग वीडियो फॉर एवरीवन जो गोलियां खा के रात खराब करके अपने लाइफ स्पेंड करते हैं। डोंट वेट, यू नो द कायरोप्रैक्टिक इज इन दैट एक्सपेंसिव, इतनी दूर हो सकती है बट आपको जो आराम देगा वो हर चीज से अलग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग इफ यू आर वॉचिंग आवर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू।